ई गवर्नेंस चल रहा है ना। ई गवर्नेंस में देखो, अब अगला जो है हमारा ई क्रांति के बारे में हम दो चार चीजें पढ़ते हैं। ई क्रांति मैंने बताई थी क्या? चलो, तो ई क्रांति जो है, ई क्रांति है ना, ई क्रांति किसका सबसे पहले बताओ तो किसके अंदर आता है ये? तो ई क्रांति किसके अंडर में था? डिजिटल इंडिया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक पिलर है किसका? डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया का पिलर है, ठीक है भाई, क्लियर। हाँ, ये स्तंभ है किसका? डिजिटल इंडिया का। पहली चीज ये हो गया। ये शुरू कब हुआ था? डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2015 को, ठीक। ये जो शुरू हुआ था, ये हुआ था 28 सितंबर को। कब शुरू हुआ था? 28 सितंबर 2015 को, ठीक है, 28 सितंबर 2015 को, ठीक। ई क्रांति जो है 28 सितंबर 2015 को लॉन्च हो गया था, शुरू हो गया था। अब ऑब्वियसली जिस कमिटी ने या जिस हमारे जो मिनिस्ट्री है उसने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था, उसी ने इसको भी किया होगा, है ना। फिर इसके बाद इसका जो मेन एम है वो क्या है? इसका मेन एम ये है, पहली चीज तो इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एकीकरण, ठीक है, एकीकरण। एकीकरण मतलब कि भारत में जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट है उनको स्टेट से जोड़ना, स्टेट है उसको सेंटर से जोड़ना, सब चीज़ें एक दूसरे से अगर जुड़ी रहेंगी तो क्या होगा? आसानी होगी। जैसे हमने देखा होगा ना कि अगर क्रिमिनल डाटा जो होता है वो अगर एक सेंट्रल डाटा से के साथ सब पैचअप करे या उसके साथ वो मैच करता हो या सब एक दूसरे से जुड़े हो, तो एक क्रिमिनल अगर मान लो एमपी स्टेट का है और वो कहीं दूसरे स्टेट में भी पकड़ा जाता है तो उसकी पहचान तुरंत हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ये इंटीग्रेशन का फायदा है, एकीकरण का फायदा है, है ना। तो एकीकरण को बढ़ावा देना, किस तरह का एकीकरण? जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना, स्टेट वाइज अलग है, फिर डिस्ट्रिक्ट में अलग है, उन सबको क्या करना? एक करके चलना, ठीक। इसके अलावा ई क्रांति क्या काम करती है? हाई स्पीड इंटरनेट को प्रमोट करती है, ठीक है, मतलब कि बढ़ावा देती है। इसके ई क्रांति का मकसद ही ये है कि इंटरनेट की जो स्पीड है, जैसे अभी 4G आ गया हमारे पास, है ना। हाँ, अब तो आने वाला है वो, अभी जो हम यूज़ करते हैं वो 4G है ना। तो 4G की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं भाई, नहीं तो पहले आप देखो कि स्पीड भी बहुत कम हुआ करती थी मोबाइल्स की, जो नेट था उसकी, और जनरली सबके मोबाइल में होता भी नहीं था नेट, है ना। और दूसरी बात कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा था, और अब तो पैकेजेस ऐसे हैं जो सभी लोग जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा है, ठीक। दूसरा, हाई स्पीड के साथ साथ क्या होना चाहिए? वो लो कॉस्ट। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो सभी लोग उसका उपयोग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉस्ट भी कम होना चाहिए और स्पीड भी कैसी होना चाहिए? हाई। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किसको हम क्रेडिट दे सकते हैं उसके लिए? जियो को दे सकते हैं, ठीक है। जियो जो है उसी ने ये सब चीज़ें की है। शुरू में जियो ने बहुत फ्री चलाया, है ना, और अब उसी की वजह से जो हमारे प्राइस हैं, है ना, वो इस लेवल तक आ गए हैं कि सारे लोग उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ई क्रांति के विषय में कुछ बातें हो गई, जल्दी से लिख लो इसको। चलो, फिर अगला हेडिंग डालो, ठीक है। अब हम एमपी की बात करते हैं, मिटा दूं? चलो, तो देखो एमपी के अंदर जो है, चलो अब लिखो ई गवर्नेंस प्रोग्राम इन एमपी। ई गवर्नेंस प्रोग्राम्स इन एमपी, मध्य प्रदेश में ई शासन की योजनाएं, ठीक है। ई गवर्नेंस प्रोग्राम इन एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश में ई शासन का जो है क्या क्या चीजें हुई है, ठीक। तो पहली चीज इसमें लिखो कि जो आईटी पॉलिसी है एमपी की, है ना, आईटी पॉलिसी मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको भाई? आईटी नीति, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो नीति है ना, आईटी नीति, ये कब बनी थी मध्य प्रदेश में? 1999 में, 1999, ठीक। मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले आईटी नीति कब बनाई थी? 1999 में, ठीक। फिर इसमें जो
हम कह सकते हैं कि इसको जो अपग्रेड किया गया वो कब किया गया, आईटी पॉलिसी में चेंज या अपग्रेड हम कह सकते हैं 2016 के अंदर किया गया। कब किया गया? 2016 के अंदर इसमें जो है हम कह सकते हैं संशोधन हुए। ठीक, अपग्रेड किया गया या संशोधन हुए। ठीक, अब देखो मध्य प्रदेश के अंदर जो है जितने भी ई प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको हम मेजर चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जितने भी ई प्रोग्राम्स हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम? चार पार्ट्स में। तो देखो पहला पार्ट जो है वो है, ठीक है, मिशन प्रोग्राम्स। ठीक, दूसरा पार्ट्स है डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स। ठीक, तीसरा पार्ट है सम अदर प्रोग्राम्स। ठीक, और लास्ट वाला है ई अवार्ड्स, है ना, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि इनाम दिए जाते हैं। अवार्ड का मतलब इनाम, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना अवार्ड, कल बताया था मैंने आपको, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, अवार्ड्स देती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से चार प्रकार के जो है, पहला है मिशन, इसको मिशन मोड प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, है ना, मिशन मोड प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स, कुछ अदर प्रोग्राम्स हैं, और अवार्ड्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये चार चीज़ें बेसिकली होती है इसके अंदर, एमपी के अंदर। ठीक है, हर स्टेट के अंदर ये चार चीज़ हो सकती है। ठीक, अब देखो सबसे पहले इसको समझो कि मिशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, या मिशन मोड प्रोजेक्ट या मिशन मोड प्रोग्राम, इनको क्या कहा जाता है? देखो मिशन मोड प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होते हैं। ठीक है, मतलब प्राइमरी प्रोजेक्ट हम इनको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी प्रोजेक्ट, प्राथमिक योजनाएं, है ना, प्राथमिक योजनाओं का मतलब कि गवर्नमेंट इन पर ज़्यादा ध्यान देती है और इनको जल्द से जल्द इनको पूरा करती है। ठीक है, इनका क्रियान्वयन जो होता है वो फास्ट होता है, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं ना हमारे, उसी प्रकार से इनका भी जो प्रोसीजर है वो फटाफट कंप्लीट हो जाता है। तो मिशन मोड प्रोग्राम्स का मतलब प्राइमरी प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होते हैं और इन्हें स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करती है। ठीक, दूसरा जो है हमारा डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स। डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स का मतलब कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारी एमपी गवर्नमेंट के पास, है ना, वो सारे डिपार्टमेंट अपने लिए अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग अपने अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट का नाम बता दें हम कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो वो अपने प्रोग्राम्स कुछ अलग बनाएगा। ठीक, दूसरा मैंने बोल दिया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, है ना, मतलब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये हो गया, वो अपना प्रोग्राम अलग बनाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो अपने प्रोग्राम्स अलग बनाएगी। तो ये हर जिले में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, डिपार्टमेंटल, जो डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है, चलो, तो ये डिपार्टमेंटल हो गए। कुछ अदर प्रोग्राम्स की हम बात करेंगे इसके अंदर, जैसे अदर प्रोग्राम्स में आ गए एम पी ऑनलाइन हो गया हमारा, है ना, दो तीन प्रोग्राम है इसमें, देखो जैसे स्वान है एक तो, ठीक, दूसरा है एमपी ऑनलाइन, ठीक, तीसरा है इसमें एक दक्ष, है ना, ई दक्ष बोला जाता है इसे, ई दक्ष, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, ई दक्ष। इस तरीके कुछ अदर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो पूरे एमपी के लिए जो है अप्लाई होते हैं। एमपी ऑनलाइन तो हम सभी ने सुन रखा है ना, स्वान भी है उसमें एक, और एक कौन सा है, ई दक्ष। ठीक, और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आप लिख लो कि ये 10 कैटेगरी में दिया जाता है। कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? 10। ठीक है, जैसे कि दिया किसके द्वारा जाएगा, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, 10 कैटेगरी कौन कौन सी, अलग अलग कैटेगरी, जैसे मान लो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दे दिया कि भाई इस जिले ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया इस साल, है ना, तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड हो गया, बेस्ट डिपार्टमेंट का अवार्ड हो गया, फिर किसी डिपार्टमेंट से किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी मिल सकता है, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे हम अवार्ड शो देखते ही है ना, बेस्ट मदर अवार्ड, बेस्ट फादर अवार्ड, बेस्ट साइड रोल अवार्ड, ऐसे बहुत सारे अवार्ड होते हैं। तो ये कैटेगरी जो है अभी 10 कैटेगरी में दिया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा गवर्नमेंट चाहे तो 9 में भी दे सकती है, 8 में भी दे सकती है, किसी को
बढ़ा भी सकती है, नई कैटेगरी भी बना सकती है, वो उसके ऊपर है। ठीक, तो अभी तो जो है 10 कैटेगरी में ही अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम एक एक करके इनके अंदर के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी बात करेंगे। मिशन मोड में पहला लिखो भाई ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा लिखो ई ट्रेजरी, ई ट्रेजरी प्रोजेक्ट। ठीक, तीसरा लिखो ई टेंडर प्रोजेक्ट, ई टेंडर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद चौथा लिखो स्टेट पोर्टल। ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है क्या? ये मिशन प्रोग्राम पे, हाँ ये प्राइमरी प्रोजेक्ट्स हैं सारे, है ना। अभी सबका मतलब बताऊंगा मैं, नाम तो लिखो आप। मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें, मिशन मोड का मतलब बताया मैंने अभी कि जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होते हैं, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में 6 प्रोजेक्ट है। कौन कौन से हैं? 4 तो लिख दिए मैंने। अगला लिखो लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट, लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट। ठीक, और इसके बाद लास्ट वाला जो है कमर्शियल, कमर्शियल टैक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इनका मतलब बताता हूं मैं एक एक करके। देखो, इनको याद करने के लिए मैंने इनको इस तरीके से लिखा है, ई वाले तो 3 हो गए, है ना, ई डिस्ट्रिक्ट, ई ट्रेजरी, ई टेंडर। ठीक, और स्टेट पोर्टल, लैंड रिकॉर्ड, कमर्शियल टैक्स प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, तो ई डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हुआ? ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी जिले हैं एमपी के अंदर, ठीक है, उन सारे जिलों को क्या किया जाएगा? डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। मतलब कि उन जिलों में जो भी गवर्नमेंट के काम होते हैं वो सब कैसे होने चाहिए? जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो डिजिटली होने चाहिए। ठीक है, चाहे कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो आपको, चाहे कोई एप्लीकेशन फॉर्म डालना हो आपको, चाहे गवर्नमेंट से कोई कंप्लेंट करनी हो, कोई सजेशन देना हो, ठीक है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट का या वैसे भी कोई काम हो, तो वो सब कैसा होना चाहिए? डिजिटलाइज होना चाहिए, जो कि अब धीरे धीरे हमें देखने को मिल ही रहा है कि सारे काम कैसे होते जा रहे हैं, हमारे डिजिटल होते जा रहे हैं। तो ई डिस्ट्रिक्ट, ई डिस्ट्रिक्ट इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ठीक है, गवर्नमेंट में जैसे एमपी में जितने भी जिले हैं 50-52 जो भी है ना, तो उसमें क्या होता है कि सारे जिलों के अंदर सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके अकॉर्डिंग और उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये रन किया जाता है, और डिपार्टमेंटल लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको जो है क्रियान्वित करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पूरी स्टेट गवर्नमेंट एक साथ सभी चीज़ों पर नियंत्रण नहीं रख सकती, इसीलिए तो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है काम करता है और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है धीरे धीरे इसकी जो है हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। ठीक, ई ट्रेजरी, ई ट्रेजरी जो आपका प्रोजेक्ट है, ट्रेजर का मतलब क्या होता है भाई? खजाना, ट्रेजर का मतलब खजाना। तो जो राज्य की इनकम है ना, या हम यूं कह सकते हैं कि जो बजट होता है ना, बजट को कंट्रोल करना किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट साल भर में जो भी खर्च करती है, जो भी कुछ परचेस करती है, जो भी कुछ उसको टैक्स मिल रहा है, जो भी हिसाब किताब है, उसका रिकॉर्ड रखना कैसे? डिजिटली। ठीक है, पहले सारी चीज़ें मैनुअली होती थी, है ना, पेपर पर, अब सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए? डिजिटली होनी चाहिए। सबका रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए? कंप्यूटर के ऊपर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये बजट है ना, बजट नियंत्रण। इसका काम क्या है? बजट का नियंत्रण करना, या हम कह सकते हैं कि जो भी लेन देन हो रहा है पैसों का, है ना, उसका कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड रखना, ये काम इसका है। किसका? ई ट्रेजरी प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट बेसिकली कि जितना भी बजट से रिलेटेड काम है उस सबको क्या करना है? डिजिटलाइज करना है। ठीक, इसके बाद ई टेंडर प्रोजेक्ट, ये भी आपने सुना ही होगा। टेंडर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं टेंडर्स? हाँ, जैसे अलग अलग कामों के लिए सरकार ठेके, जिसको हम बोलते हैं ना, वो ठेके निकालती है कि भाई ये रोड मुझे बनवानी है, तो सारे जो ठेकेदार होते हैं वो आकर के अपना अपना जो है वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो रखते हैं, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट जिसका सबसे कम होता है उसको वो टेंडर दे देती है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या हो रहा है? ऐसे में बहुत ज़्यादा वो होती है बेईमानी, है ना, कि भाई जिस अधिकारी ने वो निकाला है उससे अगर सामने वाले की जान पहचान है या उसको थोड़ा पैसा खिला दिया तो वो अंदर की इंफॉर्मेशन उसको दे देता है ना, तो वो उससे कम पेमेंट कोट कर देता है, या फिर वो टेंडर उसी को दे दिया जाता है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमने मूवीज़ में भी देखी होंगी और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो अब गवर्नमेंट ने
क्या किया कि ये जो सब चीज़ें हो रही हैं इसको भी क्या कर दिया, सारा डिजिटलाइज कर दिया। मतलब इसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, क्या करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो टेंडर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, टेंडर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी, या पारदर्शिता उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसी के लिए ये प्रोग्राम जो है शुरू किया गया। अब जो भी काम होगा ठेके का वो किससे होगा, कंप्यूटर से होगा, जिस पर उस अधिकारी के अलावा दूसरी जितने भी इसके ऊपर के जो अधिकारी लोग हैं उन सबकी क्या होती है, नज़र होती है, है ना। मैनुअली जब होता था, जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे कई सारे लोगों को बुलाया जाता था और फिर उसको ओपन किया जाता था, है ना, पर अब ऐसा नहीं होता। अब सारा चीज़ क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर धोखाधड़ी की या बेईमानी करने की जो संभावना है वो कैसी हो गई है, कम हो गई है। बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये भी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। फिर स्टेट पोर्टल, है ना, स्टेट पोर्टल क्या है भाई, स्टेट पोर्टल का जो आप इसमें लिखो, प्रोग्राम का नाम जो है वो है SSDG। क्या नाम है इसका, SSDG, स्टेट सर्विस, इसका, हाँ पहले ये लिखो फिर मैं इसका फुल फॉर्म भी बताता हूँ, ठीक है। फुल फॉर्म लिखता हूँ मैं यहाँ पर, स्टेट सर्विस डेवलपमेंट गेटवे, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। तो ये जो प्रोग्राम है इसका काम क्या है, इसका भी वही आप देख सकते हो कि ये भी एक तरीके का क्या प्रोवाइड कर रहा है, गेटवे प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि एक सुविधा दे रहा है जिससे कि गवर्नमेंट से संबंधित जो भी काम है वो कैसे होने चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुँच होनी चाहिए। देखो ऑनलाइन कराने का मतलब ही ये है कि लोगों में उसकी जो पहुँच है वो क्या हो, बढ़े, है ना। क्योंकि ऑफलाइन कोई काम अगर होगा तो व्यक्ति को चल के जिला मुख्यालय आना पड़ेगा, है ना, या अगर उसको राजधानी में कोई काम है तो उसको भोपाल जाना पड़ेगा, है ना, दिल्ली में कोई काम है तो वहाँ जाना पड़ेगा। पर मोबाइल या डिजिटल काम ऐसा है जो आप घर बैठे या अपने आसपास किसी भी ऐसी जगह से कर सकते हो जिसके लिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका जो है मूल जो है इसका मोटो है, ठीक। इसके बाद लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट्स, लैंड रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में एक राज्य है जिन्होंने अपनी 100% जो भूमि है, जो लैंड है, उसको क्या कर लिया है, डिजिटलाइज्ड कर लिया है। मतलब उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जमीन कौन सी, खेती वाली जमीन सबसे पहले आएगी, ठीक है, जो जिन जमीन पर खेती होती है, मतलब जो कि एक तरीके से हम कहें कि फर्टाइल सॉइल है ना, फर्टाइल जो जमीन है। कि भाई उससे होगा क्या, उससे गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होता है कि भाई जैसे मान लो मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, मुझे पता है ना, अब इस 10 एकड़ ज़मीन में कितनी फसल हो सकती है ये मुझे पता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से अपना फ्यूचर के जो 6-8 महीनों के प्लान्स होते हैं वो डिसाइड करेगी ना, कि भाई हमको कितना गेहूं का स्टॉक रखना है, कितना निकालना है, कितनी कौन सी फसल लेके आनी है, कितने किसानों का नुकसान हो गया तो उनका बीमा देना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फसल बीमा भी मिल रहा है ना। और उसके बाद में जो है लोगों को अगर मान लो किसी दूसरी वजह से नुकसान होता है उसका भी सरकार भरपाई करती है, बारिश की वजह से होता है उसकी भी भरपाई करती है, ठीक है। तो वो सब भरपाई किस तरीके से हो पा रही है, जबकि रिकॉर्ड होगा गवर्नमेंट के पास। अगर रिकॉर्ड ही नहीं है आपकी लैंड का तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। KCC बनाया गया है किसानों का, है ना। तो ये सब चीज़ें कब पॉसिबल हुई है, जब 100% लैंड का जो है रिकॉर्ड है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। और वो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है, लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो दो चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 100% लैंड का जो रिकॉर्ड है वो कैसा हो चुका है, अब डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसी के थ्रू जो भी किसानों को जो सुविधाएं दी जाती है लैंड से संबंधित, चाहे वो बीमा हो, चाहे और दूसरी जो भी उनकी KCC की जो प्रोसेस है वो हो, वो सब इसी प्रोजेक्ट की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। रिकॉर्ड होगा तो ही काम होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा, ठीक। फिर कमर्शियल टैक्स प्रोजेक्ट, टैक्स जो पे करते हैं हम लोग, है ना, इसके अंतर्गत जैसे आपको बिल भरना हो, आजकल हमने देखा होगा कि टेलीफोन का बिल जो है, टेलीफोन का बिल आप कहाँ से भर सकते हो, ऑनलाइन, है ना। उसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मतलब बिजली का बिल भर सकते हो ऑनलाइन, ठीक। आप पानी का बिल भर सकते हो, फीस जमा कर सकते हो, ठीक है। फीस तो खैर आप ये नहीं कह सकते क्योंकि वो कॉलेज में जाएगी, है ना, वो गवर्नमेंट कॉलेज अगर है तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। पर जो बिल पेइंग वाली चीज़ें है ना, चाहे बिजली का बिल हो, आपका नजूल का बिल हो, आपका, हाँ
हाँ डायरेक्ट गवर्नमेंट को जो पे कर रहे हैं वही चीज इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें पहले जो हमें वहां पर जाकर करना पड़ती थी, अब सारी चीजें किससे पॉसिबल है, ऑनलाइन। तो और जो जैसे जीएसटी हो रहा है या जो बिजनेसमैन है जो टैक्स पे करते हैं, है ना, या इनकम टैक्स पे करते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। तो ये कमर्शियल टैक्स प्रोजेक्ट का मकसद ही ये है कि इस टैक्स की जो सुविधा है वो लोगों तक पहुंचे और लोग आसानी से उसको पे कर दे, ठीक है। क्योंकि अगर लोगों को थोड़ी सी भी कठिनाई होगी तो हो सकता है वो पे ना करें और उससे गवर्नमेंट का लॉस होगा। इसी वजह से उस प्रक्रिया को सरल, मतलब सिंपल और आसान तरीके से वो हो जाए, ठीक है। तो ये तो प्रोजेक्ट हो गए कौन से, मिशन मोड वाले, जिनको कि गवर्नमेंट बहुत प्रायोरिटी से इनके ऊपर काम हमेशा करती है और टाइम टाइम पर इनको अपग्रेड भी करती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया नोट। चलो तो अब आगे चलो, अगला है हमारा डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स। डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स क्या है, तो डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट की बात करें मध्य प्रदेश सरकार के, ठीक है। डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स, तो देखो उसमें सबसे पहले आता है, सबसे पहला प्रोजेक्ट है एमपी टास, ठीक है। क्या नाम है इसका, एमपी टास। दूसरा प्रोजेक्ट जो आएगा वो आपका हो जाएगा एमजी नरेगा, ठीक है, एमजी नरेगा, ठीक। तीसरा जो प्रोजेक्ट है, चलो एक एक करके बताते जाता हूं क्योंकि फिर हमें बार बार मिटाना पड़ेगा नहीं तो। एमपी टास, एमपी टास का फुल फॉर्म क्या है, एमपी का मतलब तो एमपी है ही, ठीक है, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। इसके बाद देखो तो इसका मतलब है ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। अब देखो ये को, अब चूंकि डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा कि ये किस डिपार्टमेंट से आ रहा है या कौन इसको लॉन्च किया हुआ है ना। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये ट्राइबल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, ट्राइबल मिनिस्ट्री। ट्राइबल का मिनिस्ट्री का मतलब जनजातीय मंत्रालय, ठीक है। क्या मतलब होगा इसका, जनजातीय मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। और इसका काम क्या है, इस प्रोजेक्ट का काम क्या है, क्योंकि आप नाम से ही समझ गए होंगे आप लोग, जनजाति का मतलब कि जो लोग जो हाँ एसटी वाले है ना, वो लोगों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध करा रही है सरकार, कि वो लोग गवर्नमेंट की जो जो भी सेवाएं हैं, है ना, जो जो भी योजनाएं हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं, कहाँ से, अपने घर बैठे मोबाइल से, ठीक है। स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए ये काम किया गया है, ठीक है। तो वो लोग सारा बेनिफिट ले सकते हैं, कोई एप्लीकेशन डाल सकते हैं, है ना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी अपना जो भी सर्टिफिकेट उनको बनवाना हो वहां से वो स्पेशल बन जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि एसटी एससी कोर्ट भी अलग होता है ना, थाना भी अलग होता है, तो इसी प्रकार से उनके लिए मंत्रालय भी अलग है और मंत्रालय ने उनके लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया हुआ है, जिससे वो अपने सारे काम अच्छे से क्या कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरा देखो, एमजी नरेगा ये जो है इसको किसने शुरू किया है, इसको शुरू किया है पंचायतीय, ठीक है, पंचायतीय तथा ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है। पंचायती को तो इंग्लिश में भी पंचायती ही बोलेंगे, है ना। ग्रामीण विकास का मतलब है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। स्टेट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला मुझे, है ना, मैंने देखा था ये जैसे सारा डाटा जो हमने लाए हैं वो इनके ऑफिशियल सब वेबसाइट से ही लाए हैं, तो वो मिला नहीं है। अगर वो मिल जाएगा तो अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी तो मुझे नहीं मिला, मैंने देखा था पर नहीं मिला। इसमें ज़्यादातर जो पूछी जाती बात वो है कि ये किस विभाग से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट। तो किस डिपार्टमेंट ने शुरू किया है और किसके लिए शुरू किया है, ये बात आपको ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि पंचायतें, पंचायत कहाँ होगी, गांव में, गांव में होगी, है ना।
तो गांव के विकास से संबंधित, मतलब एक गांव के अंदर मान लो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग वहां रहते हैं, उन सभी के लिए सुविधा है कि वो ऑनलाइन गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें हैं, जो भी योजनाएं हैं, अगर वो बेनिफिट उसका ले सकते हैं तो वो ऑनलाइन मतलब मोबाइल के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका उपयोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक, उनको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी पंचायत में जाएंगे और पंचायत में जाकर वहां पर इस तरीके की जो भी उनके लिए सुविधाएं हैं उनका लाभ वो आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले डिपार्टमेंट में ये वाले लोग भी बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक, पर यहां के लोग यहां बेनिफिट नहीं ले सकते। इतनी बात सबको समझ में आती है? ठीक है, जो जनजाति वाले लोग हैं वो इस डिपार्टमेंट से भी बेनिफिट ले सकते हैं, पर यहां वाले लोग यहां से कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर वो जनजाति में आते हैं तो ही वो यहां बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। ठीक है भाई, तो ये दो डिपार्टमेंट हो गए। चलो इसके बाद लिखो SMS बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, SMS बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम ये बनाया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था? खंडवा डिस्ट्रिक्ट ने। किसने बनाया? खंडवा डिस्ट्रिक्ट ने। ठीक, खंडवा डिस्ट्रिक्ट के कौन से डिपार्टमेंट ने बनाया है इसे? इसे बनाया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बनाया है। ठीक है, तो SMS बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम खंडवा ने बनाया है, खंडवा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बनाया है। ठीक, अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि खंडवा के जो भी कर्मचारी है ना, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना, उन पर क्या करना, निगरानी रखना। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मैं आपको बता सकता हूँ, ई अटेंडेंस शुरू हुई थी, है ना, जो टीचर्स हैं या जो भी गवर्नमेंट अप्लाई है उनको अटेंडेंस, जो ई अटेंडेंस है ना, तो वो इसी का एक हिस्सा है ना, उसी के द्वारा उस पर मॉनिटरिंग की जाती है कि वो अच्छे से अपने कार्य जगह पर उपस्थित है या नहीं है, है ना, तो वो उसके अंदर आप इसको लिख सकते हो कि ई अटेंडेंस जो है वो इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? SMS बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत। ठीक, ये तीसरा बात हो गई। इसके अलावा देखो चौथा अगला, चलो तो ठीक, SMS बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, नहीं इसमें थोड़ी सी हम गलती कर रहे हैं, ये खंडवा का नहीं है, ये बैतूल का है। कहाँ का है ये? ये बैतूल का है ना, इसको थोड़ा आप चेंज कर लेना, ये इट्स माय मिस्टेक, ये बैतूल जिले का है। ठीक, डिपार्टमेंट इसका कौन सा था? डिपार्टमेंट तो सेम ही है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही रहेगा, पर कहाँ पर हुआ था ये? बैतूल में हुआ था पहली बार। ठीक, खंडवा ने तो जो है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो शुरू की थी। ठीक, अगला लिखो मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ये खंडवा ने शुरू किया है और खंडवा का कौन सा डिपार्टमेंट था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं वो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के द्वारा रूल्स रेगुलेशन को या लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे मेंटेन करेंगे भाई लॉ एंड ऑर्डर को? भाई मोबाइल तो सभी के पास है ना, उसके द्वारा हम किसी का भी, जैसे वो ट्रैकिंग वगैरह होती है, हम देखते हैं टीवी में कि अगर मान लो कोई एक बार पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाता है तो उसका मोबाइल नंबर से लेकर के उसका ब्लड ग्रुप सारा कुछ उनके पास है, तो अगर उनको कोई संदेह होता है, कोई डाउट होता है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं। किसके द्वारा? उसके मोबाइल के द्वारा। ठीक, मोबाइल पे उसने किससे बात की है, कैसा क्या किया, ये सब हम क्राइम पेट्रोल में देख ही रहे हैं, तो वो मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि कोई अधिकारी है, उसने अपने अंडर काम करने वाले लोगों को जो है वो भी उसमें अपने एक ऐप के जरिए जोड़ के रख सकता है और के दिन भर उनके काम पर नजर रख सकता है। और ये तो खैर गवर्नमेंट है, प्राइवेट में भी ऐसा होता है। जैसे मान लो जो मार्केटिंग करते हैं ना अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या कोई भी दूसरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, तो वो लोग बराबर अपनी जगह पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो सब कंपनी का जो उनका ऑफिस है वहां पर वो कंप्यूटर पर उनकी सारी मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज जो है यहां पर ये इस तरीके से की जा रही है। ठीक, अगला प्रोग्राम लिखो वात्सल्य प्रोग्राम।
वात्सल्य प्रोजेक्ट, वात्सल्य प्रोजेक्ट, वात्सल्य। अब देखो ये नाम से क्लियर, ये किसके लिए शुरू हुआ होगा? बच्चों के लिए शुरू हुआ होगा, है ना। तो शुरू किसने किया है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ने, ठीक है। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम नाम हो चुका है, पता है कि नहीं पता है? वात्सल्य, ठीक है, हिंदी में इसको हम लिख देते हैं वात्सल्य प्रोजेक्ट। वात्सल्य प्रोजेक्ट ये नर्मदापुरम, है ना। और अगर आपको याद ना रहे तो ब्रैकेट में होशंगाबाद आप लिख लेना, होशंगाबाद ने शुरू किया, ठीक। होशंगाबाद ने शुरू किया, होशंगाबाद की किस डिपार्टमेंट में शुरू किया है इसने भी? इसने जो है आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिला पंचायत होशंगाबाद, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो बच्चे हैं, बच्चे का मतलब किसको माना जाता है हमारे यहाँ पर? 14 साल तक की उम्र वाले, ठीक है। और जनरली यहाँ पर 6 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों की बात हम कर रहे हैं। उनकी हेल्थ को मॉनिटर करना, उनके स्वास्थ्य पर क्या करना? निगरानी रखना, जैसे आंगनबाड़ी में होता है। 6 साल का बच्चा अगर है तो वो आंगनबाड़ी जाता है, वहाँ पर उसको खाना भी दिया जाता है, वहाँ पर उसको पढ़ाया भी जाता है। तो उसी के थ्रू जो है आंगनबाड़ी इसका महत्वपूर्ण अंग है, है ना। किसका? वात्सल्य प्रोग्राम जो है आंगनबाड़ियों के थ्रू ही वहाँ पर क्रियान्वित हो रहा है, मतलब वहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी में सारे बच्चों का रिकॉर्ड है, है ना। वहाँ से सब बच्चों की मॉनिटरिंग की जा सकती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिकॉर्ड लेकर वहाँ से भी मॉनिटरिंग की जा सकती है। बेसिक उसका मोटो क्या है? बच्चों की हेल्थ के ऊपर, उनको प्रॉपर पोषण मिल रहा है कि नहीं, न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, बराबर टीके लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, है ना। कोई सीवियर डिजीज से कोई वहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आया, इस तरीके की चीज़ों पर निगरानी रखना, ठीक। चलो फिर, वो तो जैसे होशंगाबाद में हुआ है तो वही होगा, उसी ने किया है बस। अब उसको देख करके दूसरे जिले अगर करना चाहें तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो शुरू हुआ है वहीं पर काम करेगा वो, तो दूसरे में क्यों जाएगा। हाँ, जैसे कि कुछ अभी हमने जैसे वो मिशन मोड प्रोग्राम पढ़े, वो पूरे MP के लिए है, तो वो तो हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ठीक है। पर जहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया है, ठीक है, जैसे देखो डिपार्टमेंट दो तरीके के हैं भाई। देखो जैसे कि डिपार्टमेंट मैंने कहा कि मान लो एक डिपार्टमेंट अभी हमने लिखा था ना, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो अब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है और जो जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है वहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने किसी डिपार्टमेंट के आगे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखा, मतलब वो पूरे MP के लिए है, ठीक है। और अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया है, मतलब वो सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट के लिए है। बात समझ में आ गई, ठीक है। डिपार्टमेंट का मतलब दो तरीके के हैं, स्टेट डिपार्टमेंट भी होता है और कौन सा डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने लिख दिया होशंगाबाद है या नर्मदापुरम है, तो ये सिर्फ उस जिले के लिए है, ठीक। और अगर उसके आगे हमने कुछ नहीं लिखा, जैसे MP टास्क के आगे कोई जिला नहीं लिखा है, तो वो पूरे MP के लिए है, ठीक है। उसके बाद हमने MG NREGA लिखा, वो भी क्या है, पूरे MP के लिए है। डिपार्टमेंटल वो भी है पर वो MP डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, ठीक। फिर इसके बाद लिखो तो जियो सर्च, ठीक है। और एक आता है जियो सर्च और जियो फॉरेस्ट। तो जियो, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो जियो फॉरेस्ट जो है किसने लॉन्च किया होगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब वन विभाग, ठीक है। वन विभाग ने इसको लॉन्च किया है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जो जितने भी हमारा जो जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, उसको कहाँ पर लेकर आना? मोबाइल पर लेकर आना। अगर मुझे यहाँ बैठे बैठे कोई जंगल को सर्च करना है तो मैं मोबाइल से कर सकता हूँ। गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड है कि भाई मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में इतने सागौन के वृक्ष थे पिछले साल, अब कम हुए तो नहीं, है ना, बड़े तो कितने बड़े, है ना, वृक्षारोपण कितना हुआ, किसी ने वहाँ पर कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया, है ना। ये सारे जो जंगलों का रिकॉर्ड है सभी प्रकार के, वो किसके अंतर्गत आएंगे? जियो फॉरेस्ट के अंतर्गत, ठीक। जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वन विभाग के द्वारा। मतलब पूरी तरीके से जो फॉरेस्ट है उसको डिजिटल
एनालाइज करना और उन पर निगरानी रखना, मॉनिटरिंग करना है। ठीक, जियो सर्च के अंतर्गत हम क्या करेंगे, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का है ना, ये कौन सा है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जियो सर्च, है ना। जियो सर्च ने क्या किया है, जियो सर्च को किसने लॉन्च किया, कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसका काम क्या है, जैसे हम मैप में कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर बैठे बैठे देखना है कि भाई इंदौर की कोई जगह देखना है, या इंदौर तो खैर हमारे शहर में ही है, बाहर चले जाओ कहीं भी, है ना। जैसे कि अमरकंटक देखना है मुझे, सर्च करना है कि वहाँ पर जाने का रास्ता कहाँ से होगा, है ना, वहाँ पर मैं कैसे पहुँच सकूँगा, बस जाएगी कि नहीं जाएगी, कितना बड़ा एरिया है, उसके आसपास कौन कौन सी घूमने की चीज़ें हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो सारी चीज़ें मैं किसके द्वारा देख सकता हूँ, वो जियो सर्च के द्वारा। हम मैप पर देख सकते हैं ना, गूगल मैप देखते ही हम मैप में हम सारी चीज़ें देख सकते हो। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसके अंतर्गत ये किया गया है कि जितने भी आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं, है ना, मुख्य स्थान है, और अब तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई है, प्रत्येक गांव को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। उन सबको रिकॉर्ड में लेके आना, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर देखे तो उसको आसानी से मोबाइल पर सारी जानकारी क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात। चलो अब दो तीन प्रोग्राम के बारे में फटाफट लिख लो, सम अदर प्रोग्राम्स। तो इसको ख़त्म कर देंगे, हमारा पूरा ई गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। सम अदर प्रोग्राम्स, है ना, इसमें पहला लिखो, सम अदर प्रोग्राम्स में पहला लिखो स्वान, स्वान, SWAN, है ना, कुछ अन्य योजनाएं या अन्य प्रोजेक्ट, इसमें हमको लिखना है स्वान। स्वान लिखो, 23 अगस्त 2008 को शुरू किया गया, कब शुरू किया गया है, 23 अगस्त 2008 को, ठीक। इसका फुल फॉर्म लिखो जरा, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, बस एक मिनट है ना, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसके अंतर्गत किया क्या गया है वो समझ लो, इसके अंतर्गत हमने क्या किया है कि जो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक का मतलब, हाँ, ब्लॉक को किससे कनेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट से, और डिस्ट्रिक्ट को किससे कनेक्ट किया, कैपिटल से, भोपाल से, ठीक है, ब्लॉक को डिस्ट्रिक्ट से, और डिस्ट्रिक्ट सारे डिस्ट्रिक्ट को किससे कनेक्ट किया गया, भोपाल से, मतलब कि वहां की राजधानी से, जो भी स्टेट हो, ये एमपी का है तो हमने भोपाल लिख दिया, ठीक है। इसका काम मेजर ये है, ठीक है, सारे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट कैपिटल से कनेक्टेड होंगे, और कैपिटल तो स्टेट गवर्नमेंट में है ही, है ना, इस तरीके से प्रदेश सरकार जो है सारी चीजों पर क्या कर सकेगी, नियंत्रण कर सकेगी, ठीक। दूसरा प्रोग्राम लिखो, एमपी ऑनलाइन अदर प्रोग्राम्स में आता है, एमपी ऑनलाइन में लिखो, ये कब शुरू हुआ है, जुलाई 2006 को, इसकी भी डेट मुझे मिली नहीं है, है ना, जुलाई 2006 को ये शुरू हुआ है, ठीक। एमपी ऑनलाइन से हम क्या क्या करते हैं सबको पता है, इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये स्टेट गवर्नमेंट प्लस किसके साथ शुरू हुआ है, टाटा प्राइवेट लिमिटेड, जो टाटा कंपनी का नाम सुना है सबने, टाटा कंपनी और मध्य प्रदेश सरकार, इन दोनों ने मिलके इसको शुरू किया है, ठीक है। तो लिख लो उसमें, उसका नाम लिखो, इसका नाम है टाटा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, नहीं वो तो अलग है, देखो मैं लिख देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट, नहीं ऐसा नहीं है कि टाटा सिर्फ इसी में इन्वॉल्व है, दूसरी जगह भी इन्वॉल्व है ना, अकेली इसमें नहीं, जैसे जियो इन्वॉल्व हुई है ना, वैसे ही टाटा भी इन्वॉल्व है कई सारी जगहों पर। तो यहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट प्लस टाटा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है भाई, इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया और जुलाई 2006 में शुरू किया, और इसके द्वारा क्या क्या कर सकते हैं ये तो आपको पता ही है, ठीक है, क्लियर। एक और आखिरी है बस आज का हमारा, इसके बाद खत्म हो जाएगा, लिखो ई दक्ष प्रोग्राम। उमंग तो बता दिया था ना मैंने, उमंग तो हमने डिजिटल इंडिया में पढ़ी लिया ना, उसमें आ गया वो तो उमंग, ठीक है, वो तो केंद्र का प्रोजेक्ट है, इसका नहीं है वो, है ना।
चलो तो ई दक्ष में क्या करेंगे भाई, ई दक्ष के अंतर्गत दक्ष का मतलब क्या होता है, निपुणता है ना। तो यहां पर हमको निपुण करना है, किसको, गवर्नमेंट चाह रही है कि उसके जितने भी कर्मचारी हैं वो सब ये टेक्नोलॉजी के मामले में क्या हो जाएं, बिल्कुल निपुण हो जाएं, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं, ठीक है। तो इसका जो प्लानिंग है वो ये है कि पांच साल के अंदर लगभग 8 लाख कर्मचारी, 8 लाख कर्मचारियों को क्या करें, ये ट्रेन करें। किसकी जानकारी इनको पूरी होनी चाहिए, आईटी के बारे में संपूर्ण जानकारी इनको देने का ये प्रयास करेगा, ठीक है, आईटी के बारे में सब जानकारी देने का ये प्रयास करेगा, ठीक है। ये ई दक्ष प्रोग्राम है, दक्ष का नाम से ही क्लियर है कि ये क्या करना चाहता है, ठीक है, ये ट्रेनिंग देना चाहता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से एमपी के अंदर ये इतने सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट जो है वो चला रही है। देखो प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं और भी हैं, है ना, लगभग आप मान के चलो कि 41 हम कह सकते हैं छोटे बड़े सब मिला के। तो जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कई बार, है ना, जो महत्वपूर्ण है वो सब मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर, है ना। और इसके अलावा अब हम जो है अगले क्लास में जो है आगे की बात करेंगे। ये एमपी ई गवर्नेंस से रिलेटेड हमारी सारी चीज़ें जो होनी थी वो हो चुकी है, ठीक।